नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हम आपसे पासा के बारे में बातें किए थे, तो जैसा कि हमने आपको पासा के बारे में कल क्या क्या बताए थे कि पासा और घन के में अंतर बताया था कि पासा और घन में क्या अंतर होते हैं। पासा में हमने ये बताया था कि पासा जो होते हैं वो अंक अक्षर या चिन्ह से अंकित होते हैं, जबकि घन जो होते हैं उन पर कोई ऐसा संकेत नहीं होता है। पासा में हमने बताया था कि 6 फलक 12 भुजाएं 8 कोने होते हैं, जबकि घन में भी हमने बताया था कि 6 फलक 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। पासा हमेशा वर्गों एवं आयतों से मिलकर बना होता है, और जबकि घन हमेशा वर्गों से मिलकर बना होता है। ये चीज हमने कल आपको बता दिया था, और हमने आपको कल ये भी बताया था कि पासा जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा के बारे में भी हमने कल बताया था, और साधारण पासा के बारे में भी हमने कल आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो कल हम मानक पासा के बारे में पढ़ चुके थे, और साधारण पासा के बारे में भी कुछ जानकारी अलग से ले चुके थे। आइए हम शुरू करते हैं आज फिर उसी के आगे। तो उसके आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि दो पासा की तुलना करना। हम क्या बता रहे हैं आज? दो पासा की, दो पासों की तुलना करना। आज क्या बताएंगे? दो पासों की तुलना करना। जैसे मान लीजिए पहला पासा है, मान लीजिए पहला पासा आपको दे दिया गया। मान लीजिए पहला पासा ये है, देखिए यहाँ पर समझते चलिएगा, ये हमारा मान लीजिए पहला पासा है। और एक पासा और है यहाँ पर, ये मान लीजिए हमारे दो पासा हैं। इन दोनों पासे में यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए एक है, यहाँ पर चार है, और यहाँ पर हमारा 5 लिखा है। तो जैसे ये दो पासा दिया गया, ये दोनों पासा कैसे पासा है? मानक पासा है। दोनों पासा कैसे हैं? ये भी मानक पासा है और इधर वाला भी मानक पासा है। ये दोनों पासा हमारे मानक पासा हैं। तो हम यहाँ पर मानक पासा के बारे में बातें करेंगे। हम अगर जो दूसरा है, दूसरा कौन सा पासा है? दूसरा इस प्रकार से पासा दिया गया है। एक पासा ये है और दूसरा पासा हमारा फिर यहीं पर दे दिया गया ये। ये दोनों कैसे पासा हैं? तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया एक, यहाँ पर दो है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए साधारण पासा है, ये कैसा पासा है? ये साधारण पासा है। और ये कैसा है? ये भी हमारा साधारण पासा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो पासों की तुलना कर रहे हैं। तो मानक पासा से मानक पासा, साधारण पासा से साधारण पासा की तुलना करेंगे। और तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा इस प्रकार से पासा है। तीसरा हमारा ये पासा है, तो यहां पर हमारा ये कितना लिखा गया है? तीसरा पासा में यहां पर मान लीजिए दो है, यहां पर एक है, यहां पर तीन है, और यहां पर एक है, दो है, तीन है। तो यहां पर मान लीजिए ये हमारा मानक पासा है, और ये इधर वाला हमारा कैसा है? साधारण पासा है। तो यहां पर हम आपको क्या बात करने वाले हैं कि दो पासों की तुलना करेंगे, मानक पासा से मानक पासा की, साधारण पासा से साधारण पासा की, और मानक पासा से साधारण पासा की हम यहां पर तुलना करेंगे। तो आइए हम एक एक पर अब शुरू करते हैं, एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको ये जानकारी रखना है, पहला पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं कि व्हेन वन नंबर, जब एक नंबर इज कॉमन, जब एक नंबर
लिख लीजिए, जब एक अक्षर या फिर एक शब्द या फिर संकेत कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं, तब जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, यहीं पर आपको समझना, देखिए क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ऐसे मान लीजिए ये हमको एक पासा दे दिया गया है, इसके साथ में आपको एक पासा और दे दिया है, इसी के साथ में आपको एक पासा ये और दे दिया है, ये दो पासा है। तो ये दो पासा है, मान लीजिए यहां पर कितना लिखा गया है, यहां पर एक लिखा गया है, यहां पर दो लिखा गया है, यहां पर तीन लिखा गया है, यहां पर चार लिखा गया है, यहां पर दो लिखा गया है और यहां पर छह लिखा गया है, यहां पर ऐसे लिखे गए हैं। तो यहां पर आपको क्या बताना है कि जैसे विपरीत फलक बताना है, सबसे पहले यहां पर हमको ये जानकारी करना है कि ये कैसे पासा हैं। जैसे यहां पर आपको दे दिया गया है कि ये कैसे पासा हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि दो का विपरीत क्या होगा। तो यहां पर हमको देख रहे हैं कि यहां पर ये हमारा मानक पासा हो सकता है, तो ये हमारा मानक पासा नहीं हो सकता, ये हमारा साधारण पासा है। और साधारण पासा में कह रहा है, क्या कह रहा है कि साधारण पासा में दो का विपरीत क्या होगा। तो बताइए यहां पर दो का विपरीत क्या होगा। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पर एक दो, इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो का विपरीत क्या होगा। तो अगर हम जैसे ये दो से देखना है, तो यहां से हम क्लॉकवाइज चलते, देखिए यहां पर हमको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाता है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अगर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर हम इस साइड से चलते हैं, तो दो दो के बाद क्या है, दो के बाद क्या लिखा, एक लिखा गया, एक के बाद कितना लिखा गया, तीन लिखा गया। और यहां पर उभयनिष्ठ में अगर यहां पर हम दो से इस डाइज में अगर हम दो से शुरू किए हैं, तो इसमें हम किसे शुरू करेंगे, इसमें भी हम दो से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, दो के बाद कितना है, चार है, इसके बाद छः है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वैल्यू निकला है, एक यहाँ पर मिल गया, दो यहाँ पर मिल गया, तीन यहाँ पर मिल गया, चार भी मिल गया, पाँच नहीं है, छः मिल गया, क्योंकि एक पासा में टोटल छः तक गिनतियाँ होती हैं। तो इस दो के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, पाँच लिख देंगे। अब सभी मान हमारे यहाँ पर मिल गए हैं, सभी मान हमारे यहाँ पर मिल गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि तो दो, दो का विपरीत क्या हो जाएगा, दो का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, दो का विपरीत, दो का विपरीत क्या हो जाएगा, दो का विपरीत हमारा पांच हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक का विपरीत पूछता है, तो एक का विपरीत चार हो जाएगा, और तीन का विपरीत पूछता है, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक डाइज हमारा ये दिया गया है, देखिए एक डाइज हमारा ये दे दिया गया है, इसको हम यहां से मिला देंगे, इसको हम यहां से मिला देंगे, इसको हम यहां से मिला देंगे। दूसरा डाइज हमारा क्या दिया गया है, दूसरा डाइज हमारा ये है, दूसरा डाइज हमारा ये है। तो यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर लिखा गया एक दो तीन, और इस डाइज में हमारा क्या लिखा गया है, तीन पाँच छः, ये दो डाइज दे दिए गए हैं। तो इस डाइज में हमको ये पूछा जा रहा है कि तीन का विपरीत होगा, तीन का विपरीत, अगर तीन का विपरीत से पूछा जा रहा है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर कितना है, एक दो है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तीन तीन दोनों में कॉमन है, तीन तीन दोनों में कॉमन है। तो इसी तीन से हम स्टार्ट करते हैं और क्लाक वाइज चलते हैं, तीन के बाद क्या आएगा, क्लाक में दो आएगा, दो के बाद क्या आएगा, एक आएगा। उसी प्रकार से तीन हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लाक वाइज में, तीन के नीचे तीन लिख देंगे, तीन के बाद कितना है, छः है, इसके बाद कितना है, पाँच है।
तो यहाँ पर अगर हम देखिए हमारा एक मान हमारा गायब मिल रहा है, एक है, दो है, तीन है, चार इसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा है, तो इस तीन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, चार लिख देंगे। तो कह रहा है कि तीन का विपरीत क्या होगा, तो तीन का विपरीत हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दो का विपरीत कहता है तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, दो का विपरीत भी हमारा छः हो जाएगा। एक का विपरीत कहता है तो एक का विपरीत पांच हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको ये बता देते हैं, व्हेन टू नंबर, जब दो नंबर आर कॉमन, जब दो नंबर उभयनिष्ठ हैं, जब दो नंबर उभयनिष्ठ हैं, हम यहाँ पर एक आकृति बना दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। दूसरी जो आकृति हमारी बन रही है ये है, देखिए दूसरी आकृति हमारी ये बन गई है। मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा गया, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर कितना है, तीन है। इस आकृति में यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, और यहाँ पर एक लिखा गया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन लिखा गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कॉमन हमको दिख रहा है क्या दिख रहा है, दोनों आकृतियों में हम देख रहे हैं एक और तीन दोनों आकृतियों में कॉमन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक का विपरीत बताना है, तो सबसे पहले इसको हम कट कर देंगे, एक और तीन को दोनों मान को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि दो का विपरीत क्या होता है, चार होता है। अब क्या बचा है, अगर एक और तीन हमको एक का बताना है तो एक का विपरीत और क्या हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर जैसे एक लिखा गया तो एक का विपरीत क्या हो सकता है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों डाइज है। अगर एक डाइज ये है, एक का विपरीत कह रहा है, तो एक के ये पास में दो है, तो एक का विपरीत तो दो, एक का सॉरी एक का विपरीत दो नहीं हो सकता है। फिर एक का विपरीत इसी फिगर से देखते हैं, पहले फिगर से अगर हम देखते हैं, इस फिगर से एक का विपरीत दो नहीं हो सकता, एक का विपरीत तीन भी नहीं हो सकता है, एक का विपरीत इस फिगर में चलते हैं, एक का विपरीत चार भी नहीं हो सकता है, एक का विपरीत तीन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कल वाले वीडियो में आपको बताए थे, कल वाले के क्लास में क्या बताया था कि जो बगल में जो साइड में होते हैं, जो साइड में फलक होते हैं, वो उनका विपरीत कभी नहीं हो सकते हैं। तो एक का विपरीत दो तीन चार और तीन नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए हमको पांच और छह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें पांच और छह हमको क्या हो रहा है, नहीं दिख रहे हैं। अगर पांच और छह नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर एक का विपरीत हम देखते हैं तो एक का विपरीत या तो पांच होगा या फिर छह होगा। उसी प्रकार से अगर तीन का विपरीत पूछा जाता है तो तीन का विपरीत भी या तो पांच होगा या फिर छह होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि पांच का विपरीत क्या होगा, तो कहां पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पांच का विपरीत या तो एक होगा या तो तीन होगा, क्योंकि पांच पर देखिए या तो एक है और या तो इस पांच पर तीन है। अगर मान लीजिए यहां पर आपसे पूछता है कि पांच का विपरीत क्या होगा, तो पांच का विपरीत या तो एक होगा या तो तीन होगा। ये चीज यहां पर आपको ध्यान में देना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मान लीजिए इस प्रकार से आपको डाइस दे दिया है, मान लीजिए हमको ये दो डाइस दे दिया गया है, यहाँ पर ये दो दो डाइस हमको दे दिया है, यहाँ पर तीन हो गया, यहाँ पर एक है, यहाँ पर छः है, यहाँ पर कितना है,
पांच है, यहाँ पर चार है और इधर कितना है, दो है। ये दो डाइस दे दिया गया है। इस डाइस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि तीन का विपरीत होगा, तीन का विपरीत होगा, तो तीन का विपरीत क्या होगा, हमको ये चीज यहां पर बताना है। और ये दोनों जो पासे हैं, दोनों पासा कैसा है, साधारण पासा है। ये दोनों पासे कैसे हैं, साधारण पासा ये भी है और साधारण पासा ये भी है। तो यहां से आपको ये कह रहा है कि तीन का विपरीत क्या होगा। तो हम यहां पर देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि यहां पर देखिए हमको कोई भी यहां पर कॉमन नहीं दिख रहा है। एक तीन छः यहाँ पर है, पाँच चार पाँच दो यहाँ पर है, हमको यहाँ पर कोई भी मान कामन नहीं दिख रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर तीन ले लेते हैं, तो तीन का विपरीत क्या चीज़ नहीं हो सकता है। तो तीन का विपरीत अगर देखते हैं तो एक जो है नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ से देखिए, अगर एक यहाँ तीन यहाँ पर है, तीन का विपरीत ये एक नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत छः भी नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत एक नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत छः नहीं हो सकता है, और तीन का विपरीत तीन भी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मानक पासा है, मानक पासा है। अगर यहाँ पर हमारा ये मानक पासा दे दिया गया है, अगर मान लीजिए ये हमारा मानक पासा दे दिया गया है, तो तीन का विपरीत चार भी नहीं हो सक सॉरी यहाँ पर लिखा गया साधारण पासा, साधारण पासा लिखा गया है। तो साधारण पासा में तीन का विपरीत क्या नहीं हो सकता है, तो चार भी नहीं हो सकता है। तो तीन का विपरीत एक नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत छः नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत तीन नहीं हो सकता है, तीन का विपरीत तीन चार भी नहीं हो सकता है। तो तीन का विपरीत क्या हो सकता है, तो तीन का विपरीत या तो पाँच होगा या फिर कितना होगा, दो होगा। पाँच भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इन दोनों में जो भी आंसर रहेगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मान लीजिए आपको दो डाइस इस प्रकार से दे दिया गया है। मान लीजिए एक डाइस हमारा ये हो गया, दूसरा डाइस हमारा ये हो गया। तो इसको अगर हम इस प्रकार से मिला देते हैं, एक पासा ये बन गया, जो दूसरा पासा है, दूसरा पासा हमारा ये हो गया। ये मान लीजिए दो पासा लिखा गया है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर मान लीजिए चार है, यहाँ पर हम पाँच ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कितना ले लें, छः ले लेते हैं। तो ये दोनों पासा दिया गया, और ये दोनों पासा कैसे पासा है, मानक पासा है। ये दोनों पासा कैसे हैं, मानक पासा। अगर ये दोनों हमारे मानक पासा हैं, तो इसमें कह रहा है कि एक का विपरीत कितना होगा। तो जैसे यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक का विपरीत क्या होगा। अगर मानक पासा है तो इन दोनों का देखिए विपरीत जो फलक होते हैं उनका योग कितना होता है, सात होता है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत हमारा छः हो जाएगा। दो का विपरीत कितना हो जाएगा, तो दो का विपरीत अगर ले लेते हैं तो पाँच हो जाएगा, और अगर तीन का विपरीत ले लेते हैं तो तीन का विपरीत चार हो जाएगा, या चार का विपरीत तीन हो जाएगा, पाँच के विपरीत दो हो जाएगा। क्योंकि मानक पासा है, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर चार ले लिया। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो अभी तक दोस्तों आपको जो भी वीडियो दिया जा रहा है, जो भी क्लासेज चल रही हैं, ये क्लासेज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर सॉरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर पासा है, इसको हम इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, और इसको इसमें मिला दिया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लिखा गया है, यहाँ पर दो लिखा गया है, यहाँ पर पाँच लिखा गया है, यहाँ पर तीन लिखा गया है, यहाँ पर चार लिखा गया है, और यहाँ पर छः लिखा गया है। तो इस ये दोनों कैसे पासा हैं, ये दोनों हमारे साधारण पासा हैं, ये दोनों हमारे साधारण पासा हैं, ये दोनों साधारण पासा है। तो इसमें कह रहा है एक का विपरीत है, एक का विपरीत आपसे पूछ रहा है कि एक का विपरीत क्या होगा। तो एक का विपरीत क्या होगा यहां पर, तो
जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ इसमें भी कोई नहीं है और दोनों साधारण पासा हैं, तो एक का विपरीत क्या हो सकता है? देखिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि एक का विपरीत दो तो हो नहीं सकता और दो एक का विपरीत पांच भी नहीं हो सकता है, एक का विपरीत दो भी नहीं हो सकता है और एक का विपरीत पांच भी नहीं हो सकता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक का विपरीत अगर दो नहीं हो सकता है और एक का विपरीत अगर पांच नहीं हो सकता है तो हो क्या सकता है? आइए हम इसके बारे में देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों अगर साधारण पासा है तो साधारण पासा में जो भी हल जो भी मान होता है